गुड मॉर्निंग। सो आज 19 तारीख को जहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि एमसीसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी देर में ही लिंक लाइव हो जाएगा रजिस्टर करने के लिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। एक बार हो जाएगा तो मैं आपको कोशिश करूंगा वो और डिटेल में डेमो देने की अबाउट हाउ टू अप्लाई। लेकिन फाइनली इन्होंने अपना ब्रोशर कल रात को लाइव करा है और जो कि चेंजेस पीजी काउंसलिंग में हुए थे वो सभी इसमें भी कर दिए गए हैं। तो ब्रॉडली चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ, वरना वो स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे ब्रोशर में और कभी कभार ना इम्पोर्टेंस हम खो जाते हैं। सो दिस इज ऑल इंडिया काउंसलिंग, 4 राउंड में होने वाली है। हमें पता है सीटें स्टेट को रिवर्ट नहीं होंगी, जिसकी वजह से उम्मीद ये की जा रही है कि जो टफ स्टेट्स हैं दिल्ली राजस्थान बिहार, उनके बच्चों को थोड़ी हेल्प होगी, और जो इजी स्टेट्स हैं जिनमें कट ऑफ पहले ही नीचे जाती है, मध्य प्रदेश, आंध्रा, तेलंगाना, उनके बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी क्योंकि अब जो सीट्स हैं उनको वापस नहीं मिलेंगी। सीट्स तो राजस्थान वाले को वापस नहीं मिलेंगी, लेकिन वो पहले ही कॉम्पिटेटिव था, हम उसके बारे में डिटेल वीडियो बना चुके हैं। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि आपको इसमें, अब जाओगे तो पेज नंबर में दी जाएगा, आई एम जंपिंग, क्योंकि मैंने भाई कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन डिफरेंसेस को नोट करना, और वो डिफरेंसेस हैं डीम्ड वाले जो पीजी में भी हुआ था ड्यूरिंग द मॉपअप राउंड। देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज का जब आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देखते हैं तो आप ना हमेशा एक चीज देखते हैं, और मेरे को कई क्लाइंट्स, और एक्चुअली एक क्लाइंट तो कल भी आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, और मार्क्स लेट से 300 की रेंज में है, और वो कहते हैं सर लास्ट ईयर हमने चेक करा है कि एक बहुत टॉप क्लास डीम्ड यूनिवर्सिटी स्ट्रे मॉपअप में तो 220 पे मिल जाती है। सो तब तक वेट करेंगे तो पक्का मिल जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल मिल जाती थी, पर आपको क्या लॉजिक पता है कि या सिर्फ आप डेटा को देख के अपनी एक धारणा बना लेते हैं? तो लॉजिक क्या होता है गाय समझिए। और फिर से मैं आपको दोबारा नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन आपको अपना फेमस एक काउंसलिंग शेड्यूल याद होगा जो इसी होम पेज पर डला हुआ है, एक बार फिर से खोलता हूं और फिर आप समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ऐसे काउंसलिंग स्टार्ट होती थी लास्ट ईयर तक भी, कई सालों तक भी। ठीक है डेट्स जनवरी हो गई है, एक जमाने में सितंबर अगस्त की डेट्स हुआ करती थी जब कोविड से पहले के दो टाइम था। अब आप एक पेरेंट हैं या स्टूडेंट हैं और मेरे सामने हुआ है, मैं आपको एग्जाम्पल्स देकर समझाता हूँ। स्ट्रे मॉपअप मतलब एमसीसी का चौथा राउंड। तो जब एक काउंसलिंग 19 जनवरी से स्टार्ट हो गई है तो स्ट्रे मॉपअप का टाइम कब आता है डीम्ड में, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं, तकरीबन 14 मार्च के आसपास, राइट, 21 मार्च, मतलब 2 महीने के बाद। और तब तक जो शेड्यूल आ चुका है कि स्टेट्स की भी सारी काउंसलिंग खत्म हो चुकी होती हैं, राइट। अब आप एक स्टूडेंट हो, ये जो शेड्यूल आया था ना स्टेट्स वाला, साल साइड बाय साइड चलता है। अब देखिए समस्या क्या थी, समस्या ये थी, ये जो हमने एमपी का बनाया था, समस्या ये थी कि बच्चों के 340 नंबर है। देखिए पूरी की पूरी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एक ही जैन माइनॉरिटी है अपनी वडोदरा वाली एसकेएम, राइट, और दो मुस्लिम माइनॉरिटी है येनोपोला जो कर्नाटका में है, और एक अपनी जामिया हमदर्द जो दिल्ली में है। अब एनआरआई 15% सीटें होती है, तो रफली अगर 8,500 सीटें डीम यूनिवर्सिटीज में है तो 1,300 सीटें एनआरआई की है, और डीम्ड वैसी महंगी होती हैं। और आपको पता ही है कि एनआरआई की जो फीस है वो तो टोटल मिला के 1,25,000 करोड़ रुपए के ऊपर जाती है। और इस साल तक आपको पता ही है कि अगर आप एक जेन्युइन एनआरआई भी हैं तो भी आप जनरल में एडमिशन ले सकते थे, उस चेंज पे हम आएंगे, पर वैसे भी वो इस साल के लागू नहीं हो रहा। अब फिर समझिए, अब समझने की बात ये थी कि मॉपअप राउंड में ये सबसे ज्यादा एनआरआई सीटें हैं ये बची होती थी। अब मॉपअप राउंड आ गया है, कोई भी आप एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लीजिए, केएमसी मणिपाल, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। उनकी अभी तक मैनेजमेंट सीटें बची हुई हैं लेट से 12 या 8, और मैनेजमेंट सीटें बची हुई हैं, सॉरी एनआरआई सीटें बची हुई हैं 21। अब मॉपअप राउंड तक भी जो टोटल जिन लोगों ने अप्लाई करा है एनआरआई के थ्रू वो है ही खाली 4। अब सिस्टम को पता है, देखिए मतलब हमें नहीं पता, कंप्यूटर सिस्टम को सब पता है जिसके थ्रू काउंसलिंग हो रही है कि 21 सीटें हैं, एप्लीकेशन ही 4 हैं, लेकिन फिर भी वो एक तरह से कहते हैं असहाय था।
मैनेजमेंट सीटें 11 थी, वो 11 को एलोकेट कर दिया गया। और आपको पता ही नहीं कि एलोकेशन तो उसको मिलते जितनी सीट अवेलेबल होती हैं। अब ये जो 11 बच्चे थे जो कि मैनेजमेंट सीट के लिए एलिजिबल थे, ये तो जा रहे हैं अपना 530 535 वाले। अब एनआरए सीटें भी 18 बची हुई हैं, लेकिन लोगों ने अप्लाई 4 एनआरए ने करा है। ये सब जानते हुए भी कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता था। वो जो 14 एनआरए की सीटें हैं वो एज इट इज खाली रह गई। जो बाकी 4 बच्चे थे वो भी एडमिशन ले ना ले वो तो बात की बात है, लेकिन जो बाकी 14 सीटें थी वो किसी को एलोकेट नहीं की जाएंगी। ये जानते हुए कि भाई तुम्हारे पास एनआरआई है 18 और एलिजिबल ही 4 है। ये जो एनआरआई की सीटें नॉर्मल सीट बनती थी, ये बनती थी मॉप अप राउंड के बाद, मतलब मॉप अप राउंड खत्म होने के बाद। तो सोचिए अब एमसीसी का मॉप अप राउंड भी खत्म हो गया और यहां से आपका स्टेट्स के भी मॉप अप राउंड खत्म हो रहे हैं। अब आप अपनी टेंशन देखिए क्या, एज ए पेरेंट एज ए स्टूडेंट, अब आप इतना बड़ा चांस लेंगे कि स्ट्रीम मॉपअप में भाई एनआरआई की सीट कन्वर्ट हो जाएगी, मार्क्स कम हो जाएंगे तो हम ले लेंगे? नहीं, तो क्या होता था, वो 480 नंबर वाला वो केएमसी छोड़ के कोई और यूनिवर्सिटी ले लेता था, डीम्ड की डीवाई पाटिल ले ली, भारतीय विद्यापीठ ले ली, एक्सेट्रा 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 ले ली। और जब मॉपअप राउंड खत्म होने के बाद, मतलब ये खत्म हो गया फिर ये चल रहा है, ये जब तारीख आती थी तब वो लोग उस 14 एनआरआई सीटों को मैनेजमेंट सीट डिक्लेयर करते थे, आप लोगों को बुलाते थे मणिपाल। तब तक जैसे मैं कहता हूँ ना, 300 नंबर से ऊपर वाले बच्चे खासकर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो एडमिशन लेके घर बैठ चुके होते हैं, मतलब पहुंच पहुंचने के बाद, इसलिए बहुत ड्रॉप हो जाता था मार्क्स का। अब जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है ना, जो मैंने आपको दिखा रहा था कि काउंसलिंग के दौरान चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स कंप्यूटर जो है, सॉफ्टवेयर जो है, वो देख लेगा कि भाई मेरे पास केएम से मणिपाल के लिए 18 एनआरआई की सीट्स अभी भी बची हुई है, मॉप अप राउंड की बात हो रही है, लेकिन टोटल एनआरआई एप्लीकेशन ही 4 है। और आप फिर समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चारों पक्का लेंगे, क्योंकि जो एक एनआरआई है उसे केएम से मणिपाल भी भरा होगा, उसने एमएमयू मुलाना भी भरा होगा, सब कुछ भरा होगा। तो जैसे ही कंप्यूटर तो, लेकिन वो देख लेगा कि केएमसी मणिपाल में 18 सीटें बची हुई हैं, एप्लीकेशन ही 4 है। एमएमयू मुलाना में तो अभी 21 सीटें बची हुई हैं, एप्लीकेशन टोटल एनआरआई 4 है। सिमिलरली अब सारी डीम्ड, मतलब भारतीय विद्यापीठ में अभी भी 14 सीटें बची हुई हैं, एप्लीकेशन ही 2 हैं। तो वो मॉपअप के दौरान ही चेंज कर देगा, मतलब कि मॉपअप जब राउंड स्टार्ट हुआ था तो आपने सीट मैट्रिक्स में देखा था कि सिर्फ 4 मैनेजमेंट सीटें या 6 मैनेजमेंट सीटें हैं, वो एनआरआई की सीटें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी ड्यूरिंग मॉपअप राउंड। और इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ेगा कि फिर अगर 530 पे कट ऑफ जारी थी मॉपअप में, फिर वो 520 515 वाले को भी ऑटोमेटिक सीट मिल जाएगी, और जो 200 नंबर वाले को स्ट्रे मॉपअप में मिल जाती थी वो अब नहीं मिलेगी। तो एक काफी बड़ा चेंज होने वाला है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो स्ट्रे मॉपअप राउंड में बहुत सारी सीटें बसती थी, वो सोचिए हमेशा एनआरआई की बसती थी, बिकॉज मुस्लिम माइनॉरिटी तो फिर भी इतने लोग हैं ही हिंदुस्तान में कि ले लेते थे, जैन माइनॉरिटी भी ले ही लेते थे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था एनआरआई सीटों का, यही था जो स्ट्रीम मॉपअप में आपको अवेलेबल होती थी। ये जो मॉपअप राउंड के दौरान चेंज हो जाएगा, तो आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजीज, इसलिए मैंने बताया कि मेरे क्लाइंट भी मुझे कहते थे कि सर आराम लास्ट तक वेट करेंगे सर, तो स्ट्रीम मॉपअप में ना बेटर यूनिवर्सिटी मिल जाती है कम नंबरों पे और सेम फीस में। ये भी मैं आपको बता दूं कि जब सीट कन्वर्ट हो जाती है तो आपको एनआरआई फीस ही देनी होती है, आपको नॉर्मल फीस देनी होती है। तो बस यही आप लोगों को मैं सबसे बड़ा जानकारी देना चाहता था कि जो पीजी में भी आया था वो यूजी में भी आ गया है। इसका क्लियर कट इंटरप्रिटेशन ये है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अब स्ट्रीम मॉपअप में ना के बराबर सीटें बचेंगी और नॉर्मल नॉर्मल जो है उसमें काफी सीट्स बचेंगी, सॉरी, तो मॉपअप राउंड की कट ऑफ बहुत ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि तब तक तो लोग कंपटीशन में हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि मॉपअप की कट ऑफ 530 से गिर के 450 हो जाएगी, क्योंकि ये सब स्टूडेंट और पेरेंट की साइकोलॉजी है। आप शायद डीम्ड के मॉपअप तक वेट करेंगे, वो भी वैसे बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि तब तक स्टेट के राउंड तो खत्म हो चुके होते हैं और जिसको सीट लेनी होती है वो लेके साइड पे हो जाता है। और आप जानते हैं कि जब आप डीम्ड में राउंड 2 में सीट ले लेते हो तो आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। फिर भी मॉपअप में चूंकि सीट मिल जाएगी तो लोग ले लेंगे, और स्ट्रे मॉपअप तक ना के बराबर सीट बचेगी।
तो ये जो सबसे बड़ा चेंज है ये आपको हैम्पर करेगा। और सिमिलरली देखिए, जो इवन सरकारी सीटें भी थी, ये सब चीजें ना मॉपअप के बाद होती थी। इस बार जो सबसे बड़ा ये पॉइंट बार बार लेकर आ रहे हैं ना, वो ये है ना, कन्वर्जन ऑफ सीट्स विल हैपन ड्यूरिंग द मॉपअप राउंड, इवन ऑल इंडिया कोटा में, डी उनमें भी तुमने नारे की बात की। अब सिमिलरली जो ये एसटी की फिजिकल हैंडीकैप, फिजिकल डिसेबिलिटी की सीट्स होती थी, अब देखिए डीम्ड में तो होती नहीं है क्योंकि फीस बहुत है, लेकिन जितनी भी सरकारी हैं, चाहे एम्स हो, जिप्मर हो, या ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हो गई, ये भी अक्सर चौथे राउंड में जाके कन्वर्ट होती थी, मतलब राउंड थ्री खत्म होने के बाद। अब की बार ये कह रहे हैं कि मॉपअप राउंड के दौरान ही हम ये कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। तो सबसे बड़ा इंटरप्रिटेशन इन दोनों रूल का यही है कि शायद अब की बार स्ट्रे मॉपअप में ना के बराबर सीटें बचेंगी और जो भी एडमिशंस होने हैं वो मॉपअप तक हो जाएंगे, और स्ट्रे मॉपअप सही मायनों में स्ट्रे मॉपअप बन जाएगा कि इक्का दुक्का सीट कहीं मिल गई तो मिल गई। सो ये सबसे बड़ा चेंज है, इसको देखिए, वरना पूरे ब्रोशर में क्या क्या लिखा है वो मैं आपको धीरे धीरे एक लंबा वीडियो बना दूंगा जिसमें हम पूरे ब्रोशर को डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।